तो इतना सरप्राइज दिया, मेरे मेरे को पता भी नहीं था ना ये केक शेक भी आया है बोल के। ये फिर क्या मिला दोस्त को मेरे को? ओ माय गुटुनेसा, मेरे ओ माय गुटुनेसा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नीमा लमू तामंग। दोस्तों आज भी मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने एकदम ही मेरा ब्लॉग लेके दोस्तों, क्योंकि आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और उसके बाद ना दोस्तों मैं यहाँ पर आज बर्थडे में, आप लोग को पता है बर्थडे में एकदम सुबह सुबह में यहाँ पर स्टार्ट करे हूँ ये आलू पराठा के साथ दोस्तों। आलू पराठा, आलू पराठा एकदम ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रेडी करे हूँ, और मेरा बर्थडे के दिन दोस्तों। आई होप आप लोग भी ठीक ही होगा, मैं भी एकदम एकदमी ठीक हो दोस्तों। इसीलिए मैं आलू पराठा बना रही हूँ, अभी आप लोगों में दिखा रही हूँ मैं आलू पराठा। आज मेरा बर्थडे का दिन, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा दोस्तों, क्या क्या बनेगा आज मेरा बर्थडे का दिन, वो भी सभी दिखाऊंगी मैं यहाँ दोस्तों। कभी मैं मुँह सुख धुला के पूजा सूजा करके ऐसे करके आ चुकी हूँ दोस्तों, सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग टाइम दोस्तों। मॉर्निंग तो कहाँ बोलेगा दोस्तों, लेट से उठी आज मैं, इसीलिए अभी मैं मेरा आलू का पराठा दिखाती हूँ दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू बना रख सकते हो दोस्तों मेरा आलू पराठा। वाओ कैसा लगा कमेंट डाउन तो न। और यहाँ पर है ये आलू का ये चोखा बोलता है, और इसको बोलता है आलू पराठा। ये बन भी चुका है दोस्त लोग, और यहाँ पर बच्चे लोग एकदम मैं दे भी रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, देख सकते हो कि बच्चे लोग यहाँ पर खा भी रहा है दोस्तों की ना। तो सभी भी छोड़ेन एंड दवाला में इधर में बैठ के ये खा रहा है मेरा बर्थडे का दिन, मेरा बर्थडे का दिन आज। इन इन दोनों ने क्या क्या बनाएगा छोड़ेन एंड दवाला मुनि देखेगा हाँ दोस्तों की, एकदम कंटिन्यू बना रहे दोस्तों। यहाँ पर तो एकदम ही मेरा बर्थडे में स्पेशल बनने वाला है। नींबू सिम्बू तो भी है यहाँ पर, किसमिस सिसमिस पूरा ही लेके आया था। आम्मा मामा मामा मा, ये तो मछोचे खाने वाला, ये तो मेरा ऊपर का ये कुचुर मुचुर काम करने वाला है यहाँ पर। आम्मा मामा, ओ माय गुडनेस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आज यहाँ क्या क्या बन रहे। आम्मा मामा मामा, छोड़ेन ने फिर क्या काट रहे छोड़ेन, यहाँ पर बन रहे मेरा बर्थडे के लिए स्पेशल स्पेशल। वाओ देख लिया ना मेरा बर्थडे के लिए क्या क्या तैयारी हो रहा है आज। वो दवाला मोर छोड़ देने ना के बनाएगा बोल रहा है, तो ठीक है मैं खा दूंगा दोस्त लोग, कोई बात नहीं। बर्थडे में और ट्रेन का आवाज़ भी आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड आवाज सुन रहे होगा दोस्त लोग। और बर्थडे में आज क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा, वो तो मैं अपडेट कराती रहूँगी आप लोगों के साथ दोस्त लोग। और अभी काटकूट स्टार्ट हो रहा है दोस्त लोग, काटकूट स्टार्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा बाद में क्या क्या बन रहा है मैं दिखाऊंगी। मैं अभी थोड़ा दूध सूद भी देखना पड़ेगा दोस्त लोग, बाहर में दूध बिक्री करने आता है ना, दूध भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आज पता नहीं क्या क्या बनाएगा बनाएगा बोल रहे थे दोस्त लोग। मैं तो खाने के लिए सिर्फ रेडी होना पड़ेगा, केक सेक तो नहीं है मेरा दोस्त लोग, क्योंकि केक तो मेरा हस्बैंड होते ही समय ला देता था, लेकिन मैं खुद तो खरीद के नहीं काटती हूँ दोस्तों केक सेक तो। शरम है इतना बड़ा हो के भी क्या बर्थडे मनाएगा ना दोस्तों, इसलिए मैं तो नहीं करती हूँ दोस्तों ये सब। तो मैं तो अभी थोड़ा बाद में मिलते हैं दोस्त लोग, लेकिन दिन तो आज ब्यूटीफुल वाई, ब्यूटीफुल वाई दोस्त लोग देखिए तो। आमा मामा मा, इतना धूप लग के एकदम धूप लगने से तो क्या करें, जैकेट तो पहनना ही पड़ता है दोस्त लोग, इसीलिए मैं जैकेट तो पहन ही रही हूँ। और मेरा हस्बैंड ने भी सुबह फ़ोन करके मेरे को विश कर रही थी, अभी भी बोल रहे था अच्छा से बैठना, हंसी खुशी बैठना बोल रहे था। तो मेरा हस्बैंड को ना मैं मिस कर रही हूँ दोस्त लोग आज का दिन, क्योंकि हर मेरा बर्थडे में उसने ना केक सेक लेके रख देता था, लेकिन आज मेरे से दूर है दस लोग, मेरे से दूर है फिर भी ना दस लोग मेरे को बोल रहे केक सेक लेके काटो तुम, ऐसा तो बोल रहे, लेकिन मैं नहीं काटूँगी, मैं खुद ही तो लेके नहीं करूँगी। लास्ट टाइम भी मेरा साथ नहीं था होगा शायद, वो दूरी था। अभी जब वो लॉकडाउन का टाइम में ना दोस्त लोग हम दोनों उधर में साथ में थी ना मणिपुर में, उस टाइम तो क्या किया था पता है, उसना उतना लॉकडाउन का टाइम में ना कौन वो केक सेक लेके वो झामेला करता ना दोस्त लोग, इसीलिए वो उसने ना आगे मंगा के भी मेरा बर्थडे का दिन नहीं आया, लेकिन दूसरा दिन 27 में मैंने काट लिया दोस्त लोग। उसने बोला काटो 27 में होने से भी काट लो तुम बोल के ना मेरे को केक सेक ला के दिया। तो आज मैं बहुत मिस कर रही थी, बीज मिस कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को, आई मिस यू बोलना चाहती हूँ यहाँ से, और माय लव को दोस्त लोग। और ऐसा ही है मेरा आज का ब्लॉग दोस्त लोग, एकदम कंटिन्यू बना रहे मेरा साथ। अभी मैं नीचे भी जाके दिखाती रहूँगी आप लोग को, अपडेट कराती रहूँगी क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्त लोग, एकदम कंटिन्यू बना रहे।
क्या हो रहा है यहाँ तो सेंट तो एकदम सुंदर सुंदर आ रही तो दोस्तों यहाँ पर आमा क्या बन रहा है दोस्तों वाह सेंट तो बढ़िया आ रहा है दोस्तों बढ़िया दिखाओ तो क्या बन रहा है उसके बाद हमारा चावल पक रहा है आज का कुक इन दोनों देख लिया ना दोस्तों मेरा बर्थडे में क्या क्या बन रहा है दोस्तों मेरा बर्थडे में आज लच्छा पारा में बन रहा है लेकिन दूध ही नहीं आया है दोस्तों दूध भी देख देख के मैं इधर में बैठ रहे हूँ जैकेट खोला तो गरम जैकेट लगाएगा तो नहीं लगाएगा तो फिर ठंडा दोस्तों क्या करे न तो सुबह भी तो उधर में टीवी देख रहे दोस्तों टीवी देख रहे एकदम कंटिन्यू बना रहा है यहाँ दोस्तों कंटिन्यू लोग यहाँ पर खीर बन रहा है खीर ये है आज का हमारा ये क्या है दवा लमू बिरयानी वाव दोस्तों दावालामुनी बनाया है दोस्तों आज दावालामुनी बनाया अभी हम लोग का इतना टाइम हो गया अभी नहीं खाया है हम लोग अभी थोड़ा बाद में वो करेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आप बाबा को दे रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखे तो सरप्राइज हो गया तो इन तो तीनों ने तो मेरे को तो क्या पर ले दिया तो शरम हो गया तो यहाँ तो उई आम पहाओ माई गुटनेसा ये है क्या है दोस्तों क्या है ओ माई गुटनेसा देखिए ना बॉक्स भी इतना सुंदर वाह ये क्या बोलूँ दोस्तों मैं क्यों ऐसा सरप्राइज मेरे को हाँ आप नहीं होते हुए भी इन तीनों ने मेरे को सरप्राइज दिया दस लोग सरप्राइज दिया क्योंकि आपा होते समय तो आपा ने ला देता था केक लेकिन इस बार तो मेरा तीन बेटी ने मिल के ही छोड़े दावालमो का फ्रेंड है हाँ दस लोग और न तो सब भी हमारा बाबा तो इधर में खा रहा है बाबा को क्योंकि आगे दे रहे हैं ना दोस्तों बाबा को भूख लगाए तो हम लोग ने दे दिया और यहाँ पर मेरा बर्थडे में बना हुआ ये है रायता ये है स्लैड दोस्तों और बाबा में तो खा के ख़त्म कर दिया है ना बाबा आज बुहारी का बर्थडे है ना बाबा मेरे को तो इतना सरप्राइज दिया मेरे को पता भी नहीं था ना ये केक शेक भी आया है बोल के लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कल दावाला मुने कब लिया ये केक अभी फिर तो मैंने तो नहीं देखा तू घूम से केक शेक भी लेके आया दोस्तों मेरे को पता ही नहीं था ओए माय गॉडनेस मैं तो पूरा शॉक्ड हो गया दोस्तों यहाँ पर देखे तो ही मेरा बेटी लोग ने तो पूरा केक सेक भी लेके आ गया और आपा होते समय ऐसा कहता था मेरे को हाँ शाम को पूरा केक सेक लेके ऐसा मेरे को सरप्राइज ही देता था लेकिन आज बच्चा लोग ने मेरे को ऐसा कराए तो दोस्तों एकदम मैं आज क्या बोलते बहुत खुश लग रहा है दोस्तों मेरे को एकदम हैप्पी बर्थडे टू मी बोलना चाहती हूँ और सुबह मेरा हाँ मेरा बच्चा लोग ने तो मेरे को हैप्पी बर्थडे विश भी कर दिया दोस्तों और मेरा हस्बैंड ने भी सुबह फ़ोन करके बोल दिया हैप्पी बर्थडे दोस्तों और क्या दोस्तों अभी ये हम लोग अभी ये केक सेक काटने की तरफ लगेगा हाँ दोस्तों क्योंकि हम लोग इतना ही फैमिली नहीं करेगा क्योंकि शर्म होगा ना दोस्तों कितना बड़ा का बर्थडे का मनाएगा ना दोस्तों कितना कंटिन्यू बना रहे बच्चा लोग ने और अभी क्या करे तो दोस्तों काटना तो पड़ेगा केक तो है ना दोस्तों इसलिए अभी मैं काटने जा रही हूँ और मैं ये काटते काटते मेरा हस्बैंड को भी मैं एकदम ही मिस कर रही हूँ दोस्तों और आपा नहीं इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर काट के खा रहे केक अभी ठीक है आपा आप देखेगा तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिखना है मेरा कमेंट में ठीक है और अभी हम लोग यहाँ पर काटेगा बाबा इधर है मेरा ससुर और ससुर में इतना बच्चा लोग ओके हम लोग ये केक काटेगा तो दस लोग ठीक है छुरी भी देखे तो इधर धारा काटने जा रही हूँ 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे
बाबू केक खिलाएगा क्योंकि हमारा बाबा इतना 90 इयर्स का बाबा वो। और उसके बाद में किसको केक खिलाऊ, मेरा सबसे बड़ा छोटकी वाले को मैं केक खिलाऊंगा। हाँ दादा हैप्पी बर्थडे मामा, मैं बोला मेरे हाथ टेस्ट करना पड़ेगा ना दोस्तों, पहले बढ़िया और छोड़े ना और दादा ठुलठुलो खान्छ अभी हामी गरेका खाना खाना ये क्या दिया हाँ मेरे को, व्हाट इज दिस, यहाँ पर गिफ्ट भी मिल गया था दोस्तों का, आज तो मेरा बर्थडे मेरा, ओ माय गुडनेस, थैंक यू मेरे छोरीहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है। ओके नाता सबै दिदी थैंक यू, तपाईँलाई मात्रै भएन थैंक यू, अर छोडेनको भी एकदमै थैंक यू सो मच भन्न चाहन्छु। 10 लाख दोस्तों आज तो मेरा बेटी लोग ने एकदम मेरे को सरप्राइज ही कर दिया, पता नहीं इन लोग ने कब केक शेक लेके भी रखा, कब गिफ्ट शिप्स लेके भी रखा है, वो गिफ्ट में एकदम अनबॉक्सिंग करूँगा थोड़ा बाद में दोस्तों। ठीक है अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल खाना की तरफ लगेगा दोस्तों, खाना में क्या क्या बनाए वो तो मैं पहले आप लोग को दिखा चुके, फिर भी मैं दिखाऊँगी आप लोग को। ठीक है मेरा एकदम आज तो सॉफ्ट ही हो गया दोस्तों, क्योंकि मेरा बेटी लोग ने ना इतना मामा के लिए दोस्तों केक गिफ्ट सिप सब लेके रखा है तो दोस्तों मेरे को पता ही नहीं था, शायद इसमें आप आके भी हाथ होगा शायद, मेरे को पता नहीं दोस्तों, एकदम कंटिन्यू बना रहे हैं कि दोस्तों हम लोग का बिरयानी अभी खाना के लिए रेडी, ये है रायता, उसके बाद ये है स्लैड दोस्तों, स्लैड वाओ कितना बढ़िया बनाया है देखिए दावालामो एंड छोडेन ने बनाया है दोस्तों, और नाता सबे भी इधर में खाने के लिए रेडी और छोडेन भी इधर में रेडी है दोस्तों। ना देखिए तो कमेंट डाउन दोस्तों कैसा लगा, वही तो सरप्राइज ही मिल गया ना, तो सब अभी ने पूरा सरप्राइज ही दिया, और यहाँ पर आ गया 10 लाख खीर, ओ माय गुडनेस हुआ फोटो खींच साथी दीदी ने बनाया। ओके 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 10 लोग अभी यहाँ पर मैंने अभी खाने के लिए रेडी हो चुका है, मेरा यहाँ पर थाली में देख सकते हो आप लोग, ये है बिरयानी दोस्तों, क्योंकि आज मेरा बर्थडे मिला वाला मैंने एकदम बिरयानी सिरयानी बना के एकदम मेरे को एकदम क्या बोलता है दोस्तों, बोलने भी तो नहीं आता है फिर भी आप लोग ही समझ लेना है दोस्तों, बोलने नहीं आता है तो आज तो मैं तो खुश से क्या बोलो बोलो हो रहा है तो दोस्तों, क्योंकि मेरा तो मन भी दर्द हो गया दोस्तों, क्योंकि इतना मेरा बच्चा लोग ऐसा कर रहे तो आप लोग तो सच में दोस्तों मेरा आंसू भी आया, लेकिन नहीं दिखाऊंगी आप लोग का सामने में, ना रोना नहीं चाहती हूँ ठीक है दोस्तों, और ना दावला में लोग हंस रहे दोस्तों हंस रहे, और यहाँ पर मेरा एकदम बिरयानी रायता और वहाँ पर सैलेड आप लोगों को दिखा लिया दोस्तों, और मैं अभी खाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी बैठ के खा रहे दोस्तों, एकदम कंटिन्यू बना रहे हैं साथ में, बाद में बात करती हूँ आप लोग के साथ क्योंकि मेरा आँख में आंसू आ रहा है दोस्तों अभी। सच में दोस्तों ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ ना, आज का खीर ना मेरा दावला मैंने बनाया इतना टेस्टी वाओ, मेरा बर्थडे में ना जितना भी इन लोग ने बनाया वो बिरयानी रायता और ये खीर ना एकदम टेस्टी वाओ दोस्तों वाओ, मैं तो देखे इतना बाटी में खीर खा रही हूँ दोस्तों, ओ माई गुड होने दामी लोग, और आज मेरा बर्थडे में ना थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी हुआ मैं बैक कैमरा में, इसीलिए यहाँ पर मेरा ये गिफ्ट भी मिल गया दोस्तों बर्थडे का गिफ्ट, वाओ क्या होगा दोस्तों इसमें, ओ माय गुडनेस, अभी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोग का सामने दोस्तों, क्योंकि आज मेरे को ना बहुत खुश भी लगा, दिल दर्द भी हुआ दोस्तों, क्योंकि
मेरा बेबी लोग ने इतना मेरे को सरप्राइज दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना केक काट केक सेक लाएगा बोल के, ये तो मेरे को पता ही नहीं था ना दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी हुआ मेरा मेरा साथ, लेकिन मैं नहीं दिखाती हूँ ऐसे तो दोस्तों, इसीलिए ना मेरे को आज थोड़ा कैसा कैसा फील हुआ दोस्तों, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ दोस्तों का। और यहाँ पर गिफ्ट भी मिल गया मेरे को, तो पता नहीं गिफ्ट में क्या दिया आप लोगों में, वो तो दिखाती हूँ दोस्तों। और हाँ मेरा नाता सब अभी भी इधर में ही मेरा साथ में, और क्या बोलना चाहती हूँ, आज मेरा बर्थडे था दोस्तों, बर्थडे का वो सभी तो देख लिया आप लोगों ने ना, अभी मैं गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को तो दिखाना ही दिखाऊंगी। मैं मेरा हस्बैंड एकदम मिस कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एवरी बर्थडे में मेरा हस्बैंड छुट्टी आता था ना, क्योंकि नाता सर मेरा बर्थडे एक ही महीना में पड़ता है ना, क्योंकि नाता सर का 12 नवंबर है, मेरा 26 नवंबर में है दोस्तों, इसीलिए मैं मिस भी कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को। और दावाला मुनि एकदम ये सब कुछ दावाला मुनि सभी किया है, केक लाने सब कर दिया। और मैंने उन लोगों को बोली थी मैं केक नहीं काटूंगी क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो एक मम्मी हूँ ना, इसलिए मैं केक से काटने मेरे को उतना वो नहीं इंटरेस्ट भी नहीं। फिर भी मेरे हस्बैंड ने तो बोल रहा था बाजार मतलब घूमने जाके केक सेक लेके काटना इस बार ऐसा बोल रहा था, तो तब तो मैंने नहीं काटेगा बोल के मैंने वो नहीं की थी ना दरअसल। और इस बार तो फिर दावाला मुनि आज ले लिया, घूम से लाया बोल रहे, पता नहीं इन लोग सुबह किया था तब तो केक सेक भी लेके ऊपर रूम में छुपा के रखी थी मेरे को कुछ भी पता नहीं था। नतासा ने भी नहीं बोला बाबा, नाता सभी इतना डेंजर हो चुका है दसक। देखिए तो कब लिया केक, कब लिया केक, जो टाइम छोटे नाना आया था ना, दैट टाइम तब तो कल ही लेके रखा था दसक इन लोग ने, ऐसा भी होता है दसक कल है ना, आज दुईजना घुम्यो नि अन्त ऊपर अनि दालु आजीले मासु किन्दिथे नि त्यति बेला छोडेन नानाले पनि माथि गएर लुका भनेर, ए यसा किया था दस लाख मेरो त पत्ता ही नजमे, एकदम इमोसनल हो गया दोस्तों, ओ माइ गुडनेस दोस्तों। गिफ्ट मैले दिए गिफ्ट और न त छन् छुपा के लेके दिया त मे त सक्छ, अब ये गिफ्ट खोल्दै हाँ दोस्तों एकदम कन्टिन्यू बनाएर यहाँ गिफ्ट 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 यहाँ गिफ्ट में क्या है देखिएगा, अब यहाँ पर अनबॉक्सिंग डेंजर तरीका से गिफ्ट होने सा क्या होगा दोस्तों, इसमें कमेंट कीजिए तो कमेंट क्या होगा, गेस कीजिए क्या दिया होगा मेरा बेटी लोग ने, पैकिंग है दोस्तों पैकिंग, व्हाट इज दिस क्या होगा दोस्तों इसमें क्या होगा, ओ माय गुडनेस क्या होगा इसमें। आज मम्मी तो बहुत खुशी है ना मम्मा, आंबो दोस्त लोग यहाँ पर देखिए ना, देखिए ओ गुडनेस देखिए तो दोस्त लोग, मैंने ना इस टाइप का कपड़ा पहनती हूँ ना, इसीलिए दावाला मुने देखिए तो इस टाइप का कपड़ा दिया मेरे को, थैंक यू सो मच मेरी बेटी लोग को थैंक यू। यहाँ पर देखे ना मामा मुलायम ओके दोस्तों की ये भी पहन के मैं आप लोग के सामने आऊँगी बाद में दोस्त लोग ठीक है। और मेरा दावाला मुँह छोड़ेन एंड नतासा बेबी को एकदमी थैंक यू बोलना चाहती हूँ दोस्त लोग, थैंक यू छोड़ेन नताशा एंड दावाला मुँह आप आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दोस्त लोग, एकदमी थैंक यू सो मच। ठीक है तो दोस्तों ये मेरा गिफ्ट भी मिल गया आज है ना दोस्तों, और ये गिफ्ट के साथ साथ भी मैं मेरा ब्लॉग आज का क्या कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, और आप लोग ना कमेंट जरूर करना दोस्तों ठीक है। और उसके बाद मैं आज का मेरा ब्लॉग भी यहीं एंड करना चाहती हूँ दोस्तों, फिर नेक्स्ट ब्लॉग लेके जरूर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।